हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ। रिपोर्ट दो प्रकार की होती है। फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो न्यूज़पेपर के लिए लिखी जाती है, जिसमें आप हेडिंग लिखते हैं और नेम ऑफ द रिपोर्टर लिखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ रिपोर्टेड बाय नेम, तो जो भी क्वेश्चन में नाम दिया हो, जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है ना कि यू आर राम, रवि, नेहा, तो आप वो लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया तो आप एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें प्लेस दिखाते हैं, जैसे न्यू दिल्ली। अगर मान लो क्वेश्चन में बैंगलोर दिया हो तो आप बैंगलोर लिखेंगे। मान लो कानपुर लिखा है तो कानपुर लिखेंगे। फिर आपको डेट लिखना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 9th मार्च 2017, 7th मार्च 2017, जो भी रहे वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर मान लो आपकी रिपोर्ट स्कूल मैगजीन के लिए आती है, तो उसमें आपको हेडिंग लिखनी है और नेम ऑफ द राइटर आता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फिर बाई नेम या फिर बाई एक्स वाई जेड। अगर क्वेश्चन में नाम ना दिया हो तब आप रिपोर्टेड मत लिखना, आप सिर्फ लिखना बाई नेम या फिर बाई एक्स वाई जेड अगर क्वेश्चन में नाम ना दे रखा हो। और उसमें फिर प्लेस और डेट मत दिखाना, क्योंकि स्कूल मैगजीन के लिए प्लेस डेट नहीं लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरी बात यह है कि रिपोर्ट को पास्ट टेंस में लिखा जाता है, यानी पास्ट टेंस में लिखते हैं। आप देख लें किस टेंस को यूज करना है, मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये तीन रूल यूज करने हैं। एक तो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो पहचान या आईडी होती है वो ये होती है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये है सब्जेक्ट वॉज वर, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहा था, रहे थे, रही थी, इसकी आईडी या पहचान होती है। एक थर्ड होता है पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वॉज वर थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी हिंदी या इसकी जो पहचान है वो ये है, या गया, लास्ट में आ गया, ए गया, ई गया आते हैं। तो आप इन्हीं तीन रूलों को आप फॉलो करो, तो इसी रूल्स पे आप पूरी रिपोर्ट लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले मैं आपको रिपोर्ट की स्टार्टिंग बताने जा रहा हूं, जो आपको लिखनी है, और ये लाइन जो है सब में सूट कर जाएगी। तो जैसे जो भी प्रोग्राम आए, ये रिपोर्ट आती जैसे आती है किन चीज़ों पे आती है, जैसे कोई प्रोग्राम हो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कॉलोनी में, सोसाइटी में, जैसे फंक्शन हो, सेमिनार हो, एग्जीबिशंस, इवेंट, फेयर, कोई मेला वगैरह, जैसे ट्रेड फेयर है, बुक फेयर है, कैंपेन, अभियान वगैरह, जैसे लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान वगैरह, रैली वगैरह, ड्राइव, ये सब चलती हैं या इनको आयोजित करते हैं, तो उसके ऊपर है। कोई कॉम्पिटिशन हो, जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन है, स्पोर्ट डे, एनुअल डे, ये सब, तो इस तरह के प्रोग्राम्स पर ये रिपोर्ट आती है। तो जो भी हेडिंग होगी, जो भी टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम आप यहाँ लिख देंगे। जैसे स्पोर्ट डे पे आ गया तो आप लिखेंगे स्पोर्ट्स डे। मान लो साइंस एग्जीबिशन पर आ गया तो आप लिखेंगे ए साइंस एग्जीबिशन। मान लो कि कोई सेमिनार आ गया, जैसे ए सेमिनार ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल पे आ गया तो आप यहाँ लिखेंगे ए सेमिनार ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल। मान लो आ गया ए सेमिनार ऑन कैरियर काउंसलिंग पे तो आप लिखेंगे ए सेमिनार ऑन कैरियर काउंसलिंग। मान लो वर्ल्ड हेल्थ डे पर आ गया तो आप लिखेंगे ए वर्ल्ड हेल्थ डे प्रोग्राम। स्पोर्ट डे पे आ गया तो स्पोर्ट डे, या वन महोत्सव पे आ गया तो ए वन महोत्सव, तो ऐसे लिखना है। तो जो भी प्रोग्राम रहे वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ए वन महोत्सव, ए स्पोर्ट्स डे वॉज ऑर्गेनाइज यानी आयोजित किया गया, या हेल्ड मतलब आयोजित किया गया, सेलिब्रेट यानी मनाया गया, तो आपको सिर्फ एक लिखना है, या तो ऑर्गेनाइज या हेल्ड या फिर सेलिब्रेटेड या फिर अरेंज्ड या फिर कंडक्ट, या फिर जो क्वेश्चन में लिखा रहे वही लिखना। क्वेश्चन में जैसे ऑर्गेनाइज लिखा है तो आप ऑर्गेनाइज लिख दें, सेलिब्रेटेड लिखा है तो सेलिब्रेटेड लिख दें, अरेंज लिखा है तो अरेंज लिख दें, मतलब लिखना एक है। उसके बाद आपको ऑन डेट शो करना है कि कौन सी डेट को वो सेलिब्रेट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, आयोजित किया गया। तो आप ध्यान रखना, यहाँ तो आप 9th मार्च मतलब जिस दिन आप रिपोर्ट लिख रहे हैं वो डेट आएगी, लेकिन ये वाली जो डेट है वो एक या दो दिन पहले की लिखनी है आपको। जैसे यहाँ 9th लिख रहे हैं तो आप यहाँ 7th लिख दें, 7th मार्च 2017। फिर आप एट टाइम लिखेंगे, टाइम जैसे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। फिर इन प्लेस मतलब वेन्यू लिखेंगे कि कहाँ पर, जैसे
उस स्कूल में कोई फंक्शन प्रोग्राम हो रहा है तो आप लिख सकते हैं इन स्कूल हॉल, स्कूल ग्राउंड, स्कूल ऑडिटोरियम। अगर सेमिनार है, सेमिनार पे कोई प्रोग्राम आता है तो आपको फिर ऑडिटोरियम ही लिखना है, स्कूल ऑडिटोरियम। और कोई अगर कॉलेज में है तो आप लिख सकते हैं कॉलेज ऑडिटोरियम, कॉलेज हॉल और कॉलेज ग्राउंड। सोसाइटी में है तो आप लिख सकते हैं कम्युनिटी हॉल, ऐसा। फिर उसके बाद बाई स्कूल नेम लिखेंगे, जैसे कि रेड रोज़ स्कूल, ग्रीन फील्ड स्कूल, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं बाई आवर स्कूल, या फिर कोई क्लब व्लब के द्वारा ऑर्गेनाइज हो रहा है तो क्लब का नाम लिखना पड़ेगा, लायंस क्लब, हिस्ट्री क्लब, वेलफेयर एसोसिएशन कोई हो, ऐसा। आपको ये पॉइंट नहीं लिखना तो आप मत लिखें, आप यहीं तक ब्लॉक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, फिर इस जब आप ये स्टार्टिंग लिख लेंगे उसके बाद आपको ये वाली लाइन ऐड करनी है, क्योंकि जब ऐसे फंक्शंस होते हैं तो चीफ गेस्ट आते हैं, है ना, जैसे कोई कंपटीशन हो, इवेंट हो, कल्चर इवेंट, कल्चरल कोई इवेंट हो, कंपटीशन, इस तरह की एग्जीबिशंस हो, तो इसके अंदर क्या होता है, चीफ गेस्ट आते हैं। अगर सेमिनार होगा, पर ध्यान रखना, जब अगर सेमिनार होगा तो उसमें आप चीफ गेस्ट नहीं बुलाना, कैंपेन होगा, रैली होगी, तो इनमें आप चीफ गेस्ट मत बुलाने। इसमें आप सेमिनार में ध्यान रखना कि सेमिनार के अंदर एक्सपर्ट्स आते हैं, ना कि चीफ गेस्ट आते हैं, ठीक है। और रैली में और कैंपेन में, इन सब में चीफ गेस्ट नहीं आते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर सेमिनार होगा तो आप इसमें एक्सपर्ट्स बुलाएंगे, ठीक है। और अगर कोई कॉम्पिटिशन हो, साइंस एग्जीबिशन हो, कोई कल्चरल इवेंट वगैरह हो, डिबेट कॉम्पिटिशन, इसमें क्या होता है, जजेस आते हैं, चीफ गेस्ट आ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, सेमिनार होगा तो इसमें आपको एक्सपर्ट्स बुलाने। तो मैं इसके जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताई, इसके बाद की जो अब लाइन आप यूज़ कर सकते हैं, उसके आगे ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि इट वाज इनोग्रेटेड। इट यानी इसको, वाज इनोग्रेटेड मतलब उद्घाटन किया गया बाय द चीफ गेस्ट। फिर चीफ गेस्ट का आप नाम लिख देना कुछ भी, जैसे मान लो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, और स्टेट मिनिस्टर कोई हो वहाँ का, राज्य का, केजरीवाल, इस तरीके से। या फिर आपको ऐसे नहीं लिखना और थोड़ा सिंपल करना है तो आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ लिखा है सचिन वाज़ द चीफ गेस्ट, केजरीवाल वाज़ द चीफ गेस्ट, मिस्टर मोदी वाज़ द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन, ठीक है, ऑन द ओकेजन यानी अवसर पर। फिर आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा तो आप ये लिख सकते हो, दिस स्टार्टेड, यह शुरू हुआ, यह शुरू हुआ मतलब यह प्रोग्राम, यह फंक्शन, यह सेमिनार शुरू हुआ विद यानी के साथ, द अराइवल यानी पहुंचने के साथ ही, ऑफ यानी के, द चीफ गेस्ट के, या फिर एक्सपर्ट्स के, एट टाइम, फिर टाइम लिख देना 9 बजे 10 बजे, मतलब जब चीफ गेस्ट एक्सपर्ट्स आ जाएंगे तभी तो प्रोग्राम शुरू होगा। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, दिस स्टार्टेड, ये शुरू हुआ विद यानी के साथ, द अराइवल पहुंचने के साथ ही, ऑफ द चीफ गेस्ट के, या फिर एक्सपर्ट्स के, एट टाइम लिख देना। मान लो ये दिस स्टार्टेड नहीं लिखना चाहते, थोड़ा इसे और बेहतर बनाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, इट कमेंस भी शुरू करना ही होता है, कि यह शुरू हुआ विद द अराइवल पहुंचने के साथ ही, ऑफ द चीफ गेस्ट, या फिर एक्सपर्ट्स, फिर एट टाइम लिख देना। आपको ये भी ठीक नहीं लग रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई द बुक फेयर और साइंस एग्जीबिशन या डिबेट कॉम्पिटिशन वॉज इनोग्रेटेड, उसको उद्घाटन किया गया बाई द चीफ गेस्ट द्वारा ऑफ दिल्ली के। आपको ऐसे भी नहीं ठीक लग रहा तो आप जैसे सेमिनार वगैरह में है तो इसमें चीफ गेस्ट तो आते नहीं, तो आप लिख सकते हैं एक्सपर्ट्स फ्रॉम से मेडिकल फील्ड से वर इनवाइट, उनको इनवाइट किया गया था टू आंसर देने के लिए, उत्तर देने के लिए द क्यूरियस ऑफ द ऑडियंस, लोगों की, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उन पर आंसर देने के लिए उनको इनवाइट किया गया था मेडिकल फील्ड से। जैसे कोई वर्ल्ड हेल्थ डे पर आ जाए, कोई सेमिनार है कोई हेल्थ के ऊपर से, हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसा, तब उसमें आप एक्सपर्ट्स इस तरह मेडिकल फील्ड से बुला सकते हैं। फिर मान लो कोई एजुकेशन के ऊपर कोई सेमिनार है, जैसे आजकल बर्डन स्ट्रेस बच्चों पर बढ़ रहा है तो उस पर कोई, उसके ऊपर कोई सेमिनार रख दिया तो उसमें आप एजुकेशनिस्ट बुला सकते हो या एक्सपर्ट्स भी बुला सकते हो। तो वैसे दोनों में से आपकी मर्जी है, एक्सपर्ट्स भी बुला सकते हो और एजुकेशनिस्ट भी बुला सकते हो। एजुकेशनिस्ट वो होते हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, वर इन्वाइट, उनको इन्वाइट किया गया था टू टॉक, बातचीत करने के लिए ऑन द टॉपिक। तो जो भी टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं, वो तो आपको पता ही लग जाएगा क्वेश्चन के अंदर। फिर मान लो वो भी आपको ठीक नहीं लग रहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम एक्सपर्ट्स हैड कम, कुछ एक्सपर्ट्स हैड कम यानी आए थे फ्रॉम से वेरियस फील्ड से, विभिन्न तरह के क्षेत्रों से, लाइक जैसे फूड टेक्नोलॉजी से आए, से
फैशन टेक्नोलॉजी से आए थे, मीडिया मैनेजमेंट एट्सेट्रा से आए थे। तो ये एक्सपर्ट्स जो आते हैं, जैसे कि कैरियर काउंसलिंग कोई प्रोग्राम है तो कैरियर के बारे में जब आपको कोई बताने आएगा तो कोई फूड टेक्नोलॉजी से आएगा, फैशन टेक्नोलॉजी से आएगा, मीडिया मैनेजमेंट से आएगा, वो आपको बताएंगे कि भाई आप इस फील्ड में जा सकते हैं, जहाँ आप HM कर सकते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, मीडिया में कुछ मास ये मीडिया वगैरह का जैसे जर्नलिज्म वगैरह कोर्स कर सकते हैं। तो आप मतलब कहने का मतलब है जब भी सेमिनार होना तो आपको एक्सपर्ट्स यूज़ करने हैं, इसमें आप चीफ गेस्ट ना बुलाएं, मेरा कहने का मतलब ये है, इसलिए मैं ये पॉइंट ज़्यादा और करके शो कर रहा हूँ। फिर मान लो कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, सेमिनार है, तो आप उसमें लिख सकते हैं भाई मैनी हेल्थ एंड योगा एक्सपर्ट्स वर इन्वाइट किया गया था टू टॉक, बातचीत करने के लिए टू द स्टूडेंट से, ऑडियंस से, प्यूपल से, मर्जी आपकी। आपको और मैं दूसरे तरीके बता रहा हूँ, जैसे इट लिख सकते हैं या फिर द प्रोग्राम ही लिख सकते हैं, द सेमिनार लिख सकते हैं, द फंक्शन लिख सकते हैं द प्रोग्राम की जगह, या डायरेक्ट आप इट ही लिख लें, इट वॉज इनोग्रेटेड, इसको इट यानी इसको वॉज इनोग्रेटेड यानी उद्घाटन किया गया बाई दी एनवायरमेंटलिस्ट द्वारा। जैसे मान लो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मना रहे हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं एनवायरमेंटलिस्ट, या फिर मान लो कोई पॉल्यूशन कंट्रोल पे सेमिनार आ गया तो आप ये लाइन लिख सकते हैं एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर रवि कांत शर्मा हु यानी जो वॉज यानी थे द चीफ गेस्ट थे ऑन दी ओकेजन यानी अवसर पर। आपको ये भी ठीक नहीं लग रहा तो आप ये लिख सकते हैं मैनी एजुकेशनिस्ट कई पढ़े लिखे लोग साइकोलॉजिस्ट मनोचिकित्सक एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम सेवरल यानी कई स्कूलों से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, सेवरल नहीं लिखना तो ए फ्यू लिख लो, कुछ स्कूलों से पार्टिसिपेट किया भाग लिया इन द सेमिनार में। तो जैसे कोई सेमिनार हो एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे बच्चों पर आजकल स्ट्रेस वगैरह बढ़ रहा है तो उसके ऊपर ये लोग आए थे साइकोलॉजिस्ट प्रिंसिपल, इन्होंने उस सेमिनार पे बच्चों को बताया होगा कि भाई कैसे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, कैसे वो अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, उस तरह के सेमिनार वगैरह भी होते हैं। फिर आप लिख सकते हैं मान लो आपको ये भी ठीक नहीं लग रहा तो आप ये मतलब जो भी मत कहने का मतलब मैं ये और इसलिए शो कर रहा हूँ कि जो भी आपको क्वेश्चन के हिसाब से शूट करे आप लिख सकते हैं। इट वॉज इनोग्रेटेड इसको उद्घाटन किया गया बाई दी हेल्थ मिनिस्टर द्वारा ऑफ दिल्ली के, इट स्टार्टेड ये शुरू हुआ विद द अराइवल पहुंचने के साथ ही ऑफ द चीफ गेस्ट के एट 9:15 AM पर। मान लो दिल्ली का नहीं है तो कहीं और चेन्नई का लिख दो, मुंबई का लिख दो, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से आप कर लेना एडजस्ट, ठीक है। तो कई बार जब ऐसे फंक्शन होते हैं तो प्रेयर वगैरह भी होती है, तो जब तभी उसके बाद ही वो शुरू होता है फंक्शन, तो हम ये लाइन लिख सकते हैं उसके अंदर द फंक्शन या द प्रोग्राम या कॉम्पिटिशन बिगेन यानी शुरू हुआ विद यानी के साथ द प्रेयर सॉन्ग के साथ हुआ संग जिसे गाया गया बाय द स्कूल स्टूडेंट्स द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आपको फोर्थ पॉइंट्स, मुझे ठीक नहीं लग रहा उतना तो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट आपको फाइव बता रहा हूँ कि फिर उसके बाद जब ये चीफ गेस्ट आते हैं या फिर एक्सपर्ट्स आते हैं तो भाई हमारे जो प्रिंसिपल होते हैं चाहे वो स्कूल के हों कॉलेज को, तो वो वेलकम तो करते ही हैं। तो आप लिखेंगे पांचवा ये लिख सकते हैं कि भाई आवर स्कूल प्रिंसिपल ने, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने वेलकम किया, स्वागत किया द चीफ गेस्ट का या फिर एक्सपर्ट का। तो ये तो फ्रेंड स्टार्टिंग लाइन हो गई जो आप लगा सकते हैं, जिसमें से कि मैं आपको ये वाली लाइन है यानी फर्स्ट वाली, ये तो आपको लगानी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है शुरुआत करने के लिए। और अब मैं आपको मिडिल पॉइंट बताने जा रहा हूँ। तो देखो कोई भी फंक्शन होता है, सेमिनार होता है, प्रोग्राम होता है, कंपटीशन हो, ड्राइव हो, अभियान हो, कैंपेन हो, जो भी हो प्रोग्राम, उसका कोई ना उद्देश्य यानी पर्पस एम मोटिव जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि चलो यार कल मन कर रहा है होली मना लेते हैं, कल चलो यार दिवाली मना लेते, कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है, तो आपको वो जरूर लिखना है, इससे जो आपकी रिपोर्ट है उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं द पर्पस यानी उद्देश्य ऑफ दिस प्रोग्राम, एक मिनट फ्रेंड्स जरा आप थोड़ा सा वेट करें मैं बता रहा हूं। हाँ तो भाई जो भी फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, सेमिनार हो, उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है, तो आपको वो लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ये वर्ड और ये वर्ड, तीनों में से आपकी मर्जी है, आप कुछ भी यूज कर लें। द पर्पज वही बात है, उद्देश्य, एम भी वही उद्देश्य, लक्ष्य मोटिव यानी भी उद्देश्य।
तो आप लिख सकते हैं द पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम, या फिर द पर्पज ऑफ दिस फंक्शन, या फिर द पर्पज ऑफ दिस सेमिनार वॉज टू, उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ भी आपको लाइन उससे रिलेटेड लिखना है। जैसे सपोज करो वन महोत्सव पे आ गया, तो आप लिखेंगे द पर्पज ऑफ दिस फंक्शन वॉज टू सेलिब्रेट, वॉज टू सेलिब्रेट, फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूं ना, देखो सेलिब्रेट वन महोत्सव एंड मेक अवेयर, यानी जागरूक करना था टू द स्टूडेंट्स, बच्चों को अबाउट यानी बारे में, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज यानी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के बारे में। मान लो स्पोर्ट डे पर आ गया, तो आप लिखेंगे द पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम या ऑफ दिस स्पोर्ट डे वॉज टू मोटिवेट, मोटिवेट, देखो फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूँ ना, मोटिवेट, मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स मोर एंड मोर, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा भाग लें खेलों के अंदर, ये मोटिवेट करना था, ये उद्देश्य था। मान लो हेल्थ के ऊपर कोई सेमिनार आ गया, तो आप लिख सकते हैं द पर्पज ऑफ दिस सेमिनार वॉज टू क्रिएट अवेयरनेस, क्रिएट, देखो मैं फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ ना, क्रिएट अवेयरनेस यानी जागरूकता, अबाउट यानी बारे में, हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, अमंग यानी के बीच में, द स्टूडेंट्स बच्चों के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो पॉल्यूशन कंट्रोल पे कोई सेमिनार आ गया, तो आप लिख सकते हैं द पर्पज ऑफ दिस सेमिनार वॉज टू डिस्कस करना था, यानी कि बातचीत करनी थी ऑन दिस इशू पर या ऑन दिस मैटर पर, एंड टेक सम स्टेप्स, और लेने थे कुछ सम स्टेप्स टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए द पॉल्यूशन, आप ये लिख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आपको उद्देश्य बताना है कि भाई वो क्यों किया गया था, वो प्रोग्राम जो है क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे, वो फंक्शन जो है वो क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे। उसके बाद जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो जो स्कूल का हॉल होता है, जो स्कूल का हॉल होता है उसको भी सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। तो हम ये लाइन लिख सकते हैं कि द स्कूल हॉल वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, यानी सजाया गया विद, यानी से फ्लावर से, फूलों से, या फिर स्लोगन यानी नारों से, या फिर बैनर से, या फिर पोस्टर से, तो आपकी मर्जी है, आप फ्लावर से, स्लोगन से, या चारों लिख दें, या फिर दो लिखें फ्लावर्स और स्लोगन, या फिर फ्लावर स्लोगन बैनर लिख दें, या आप चारों भी लिख सकते हैं। उसके बाद है देयर वॉज ग्रेट एंथुजम, जब इस तरह के फंक्शंस प्रोग्राम होते हैं तो बच्चों में बड़ा जोश रहता है, लोगों में बड़ा जोश रहता है, तो ये लाइन है, आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, देयर वॉज ग्रेट एंथुजम, कि वहाँ पे ग्रेट एंथुजम था, बड़ा जोश था अमंग यानी के बीच में, द स्टूडेंट्स बच्चों के बीच में, एंड एंड दे वर लुकिंग, और वे दिख रहे थे हाईली यानी अत्यधिक स्पिरिटेड यानी जोशीले दिख रहे थे। फिर फोर्थ पॉइंट है द स्टूडेंट्स, बच्चे या फिर प्यूपल जो है, लोग जो है, हैड कम, आए थे फ्रॉम फार एंड वाइड, फार एंड